नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुचिता वामनकर है। मैं आपके लिए फिर से एक टॉपिक लेकर आई हूँ, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ आपका SRIP इडू फार्मा में। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या आपके एप्लीकेशन है कंप्यूटर के इन हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी में? Role of computers and pharmacy. Right now, computers and pharmacy go hand in hand. Means ये है कि अभी pharmacy में computer जो है एक अहम role निभा रहा है, वो साथ वो उसको pharmacy field को बढ़ाने के लिए या उसकी उसके work को बढ़ाने के लिए, work को कम करने के लिए हम computer का use कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या काम होते हैं हमारी फार्मेसी में, ये काम होते हैं कि ड्रग एंड पेशेंट डेटाबेस मैनेजमेंट करना होता है हमको, ऑर्डर एंट्री सिस्टम करना पड़ता है हमको, ड्रग इंफॉर्मेशन हम लोग को कलेक्ट करना होता है, बिलिंग करना होता है, परचेसिंग करना होता है, ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग यूनिट्स हमको करनी होती है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ड्रग इंफॉर्मेशन हमको एक्सचेंज करना है, अगर हमको डाटा को एक्सचेंज करना है यहाँ से इंडिया अक्रॉस अ कंट्री, सो वी कैन यूज़ अ कंप्यूटर। इस तरीके से हमारा कंप्यूटर है और हमारा जो फार्मेसी, वो इस तरह से एक दूसरे का हाथ बटा के आगे हमारे काम को हेल्प कर रहा है, हमारे इजी गोइंग काम को इजी गोइंग बना रहा है। सो रिलेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड हॉस्पिटल फार्मेसी क्लिनिकल फार्मेसी, क्या रिलेशन है आपको कंप्यूटर का हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी में एज वेल एज हमारे क्लिनिकल फार्मेसी में? तो हम पहले जानते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी होता क्या है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ रिसीविंग एंड अलॉटमेंट ऑफ ड्रग एंड अदर प्रोफेशनल आइटम्स, डिस्पेंसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आर आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट। ओके, हॉस्पिटल फार्मेसी मीन्स हॉस्पिटल के में जो फार्मेसी होता है उसे हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी कट बोलते हैं, जहाँ पे हम प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू पेशेंट को हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पे हम डेटाबेस कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। तो हम कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, इन सबको मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, परचेस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल मेंटेनेंस कर सकते हैं, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग है उसको भी हम क्या कर सकते हैं इस हॉस्पिटल फार्मेसी कंप्यूटर के थ्रू हम अपने हॉस्पिटल फार्मेसी में इसको अपना सकते हैं। फिर और क्या कर सकते हैं, टू डिटेक्ट द आइटम्स विच हैव रीच मिनिमम ऑर्डर लेवल, है ना, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ आइटम टू बी परचेज्ड एंड देयर क्वान्टिटीज, हम है ना लिस्ट आइटम बना सकते हैं, फिर लिस्ट ऑफ आइटम्स बना सकते हैं, प्रिपेयर परचेज ऑर्डर बना सकते हैं हम इसमें, हम डिटेक्ट इसमें टू डिटेक्ट द इनफ्रिक्वेंटली परचेज आइटम्स फॉर पॉसिबल रिटर्न और एलिमिनेशन फ्रॉम फार्मेसी ड्रग सप्लाई, है ना, ये भी हम कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस पीरियडिक समरी एंड परचेसिंग एंड इन्वेंट्री स्टेटिक्स, ये भी हम कर सकते हैं, कैलकुलेशन जो है या हमको देखना है कि कितना आइटम बचा हुआ है, कितनी क्वांटिटी बची हुई है, तो भी उसे भी हम कंप्यूटर के थ्रू देख सकते हैं। मेंटेनिंग मेडिकल पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड हम मेंटेन कर सकते हैं, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस हम मेंटेन कर सकते हैं, पेशेंट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और ये सब जो मॉनिटरिंग करने का काम है हम सॉफ्टवेयर में करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो हम अभी जो यूज मतलब मोस्टली जो यूज़ होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जहाँ हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इन्वेंटरी आइटम्स को यूज कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, परचेसिंग कर सकते हैं, सब चीज़ जो है हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, है ना, आपका रिलेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड हॉस्पिटल फार्मेसी में, आपको क्लिनिकल फार्मेसी में क्या रोल है ना? क्लिनिकल फार्मेसी में यूज द कंप्यूटर फॉर मॉनिटरिंग द थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, है ना, ड्रग के इफेक्ट को देखने के लिए, विच आर एवरी पोटेंट एंड हैविंग अ वेरी नैरो थेरापेटिक रेंज, ठीक है, ऐसे ड्रग हमको ड्रग को थेरापेटिक लेवल को चेक करना है, तो वो भी हम कंप्यूटर के थ्रू करेंगे। मतलब यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर हमको यूज करके हम क्या करेंगे, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। साथ ही साथ हम ये कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू हम डिजाइन टू कैलकुलेट ड्रग डोजेस और टू सूट इंडिविजुअल पेशेंट नीड, मतलब हम डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्रग रिस्पॉन्स को देख सकते हैं, इन सब को देखने के लिए कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये जो है जैसे आपने बताई मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, हम कंप्यूटर के थ्रू मेंटेनेंस कर सकते हैं रिकॉर्ड का, तो लिस्ट ऑफ आइटम बना सकते हैं, परचेज आइटम बना सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन डिटेल ऑफ पेशेंट कर सकते हैं, मेंटेन इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सब के लिए ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिख रहा है जिसमें कि यहाँ पे बिलिंग हो रहा है, बिलिंग है यहाँ पे, आप इसी तरह परचेसिंग कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम बना सकते हैं। साथ ही साथ ये हेल्थ रिकॉर्ड है, ये एक डेटाबेस के थ्रू बना है जिसमें हम पेशेंट का क्या कर सकते हैं, डिटेल आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ये इन्वेंट्री कंट्रोल देखिए, ये भी आप इसमें एक्सेल में कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट का नाम लिख लीजिए, क्वांटिटी कितना है, आपको पता चल जाएगा कि आपके फार्मेसी में कितना क्वांटिटी है और कितना अमाउंट है, मतलब आपके पास कितने मटेरियल का रेट है आपके पास में, मतलब कितना आपके पास में प्रोडक्ट रखा हुआ है या गुड्स आपके फार्मेसी में रखी हुए, ये भी आपको इसके थ्रू पता चल जाएगा जस्ट विथ अ वन क्लिक। फिर ड्रग इंफॉर्मेशन एंड डेटा स्टोरेज है ना, अब फार्मेसी जो है वहाँ पे हम ड्रग स्टोर करते हैं, तो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, प्रोडक्ट होती हैं, उनको याद करना मुश्किल होता है, तो हम एक डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस में हम उनको एक आईडी और नेम के थ्रू उसको एक आईडी दे देते हैं जिसके थ्रू हम इजीली सर्च कर सकते हैं कि कौन सा ड्रग अगर हमको चाहिए। जैसे हमको ऐसी लॉग चाहिए तो उसके जस्ट आईडी डालेंगे तो उसके थ्रू पूरा उसका डोजेस आ जाएगा, टाइप आ जाएगा, उसका डेट क्वांटिटी जो है हर चीज़ जो है वो आप कर सकते हो, बिलिंग कर सकते हो, है ना, ये भी आप जो है डेटाबेस के थ्रू कर सकते हो। तो जो मैंने ये इमेज दिख रहा है ये एक डेटाबेस का एग्जांपल है। ओके, फिर ये नेक्स्ट जो यूज होते आ रहा है हॉस्पिटल फार्मेसी में, ये जो है आपका एक सॉफ्टवेयर है उद्योग सॉफ्टवेयर के थ्रू, ईआरपी उद्योग ईआरपी फार्मा करके एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम हॉस्पिटल फार्मेसी को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें कि हम बिलिंग कर सकते हैं, इजी फास्ट बिलिंग कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैशियर एंड होम डिलीवरी कर सकते हैं, होम डिलीवरी कर सकते हैं, एक्सपायरी और नियर एक्सपायरी देख सकते हैं, टच एंड स्क्रीन और बारकोड हम लोग चेक कर सकते हैं, अकाउंट हम लोग उसे मैंटेन कर सकते हैं, हम शेड्यूल एच ड्रग्स और नार्कोटिक ड्रग्स कलेक्ट कर सकते हैं, ईमेल, एसएमएस, एक्सेल्स, ये सब को हम एक ही सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आपका जो क्लिनिकल फार्मेसी में जो मोस्टली यूज होता हुआ सॉफ्टवेयर जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो, है ना, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें हम अपने ड्रग का थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वो लो है, पोटेंट है, सीवियर है, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दिख सकते हैं, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम वो देख सकते हैं, टाइप ऑफ इंटरवेंशन उसका फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, फार्माकोथेरेपेटिक स्टडी, ड्रगिंग इंफॉर्मेशन स्टडी, है ना, ये सब जो है हम एक ही प्रोग्राम में या हम एक ही सॉफ्टवेयर में हम देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।